जब भी जो नजर उठी मुझ पे वो नजर पड़ी, जिक्र मेरा हर जगह हर जुबान पे हर घड़ी। मैं तो जादूगरनी एक, मेरा जादू आके देख, चाहे दूर जाके देख चाहे पास आके देख। मैं तो लाखों में हूँ एक, मुझे आजमा के देख, दूर जाके देख चाहे पास आके देख। ऐसी वैसी मैं नहीं, मेरी बात और है, रंग नया है ढंग नया, मेरी बात और है। ऐसी वैसी मैं नहीं, मेरी बात और है, रंग नया है ढंग नया, मेरी बात और है। थोड़ा दिल मिला के देख थोड़ा पास, चाहे पास आके दे। मैं तो लाखों में हूँ एक, मुझे आजमा के दे, चाहे दूर जाके दे चाहे पास आके दे। रू 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 ला 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 ला, रू 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 ला। कुनिका, आप जो अपने अभी गाने जो हमने सुने बहुत वेरी नाइस, और उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैंने एक बहुत पॉप एल्बम की भीड़ में लाखों में एक एल्बम बनाने की कोशिश कर रही हूँ। इट्स गॉट अ लॉट ऑफ मेलोडी, बहुत उसमें हमने कोशिश किया कि मेलोडी रहे उसमें और साथ में ट्यून ऐसा रहे कि जिसमें लोगों को नाचने का मन करे। रोमांटिक गाने हैं और सेंटिमेंटल गाने हैं इसमें, और मैं समझती हूँ ज़्यादा टेक्नो स्टफ इज़ नॉट देयर, लाइक द झिंचैक पिंग पैक इज़ नॉट टू मच इन दैट, एंड दैट्स बिकॉज माय एटीट्यूड एंड माय मेंटालिटी इज़ आल्सो लाइक दैट। आई लाइक मेलोडियस सॉन्ग्स, सो वी हैव ट्राइड टू मेक दैट एंड कीप इट अ फन एल्बम, लेट्स होप इट डज़ वेल। और इतने आपने मतलब फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी साल से हैं, तो आपने पहले क्यों नहीं सोचा करने का? नाउ आफ्टर सच, यू सी, जब से मैं फिल्म इंडस्ट्री आई हूँ तो करीब 9 साल मुझे तो अपने आप को एस्टैब्लिश करने में निकल गए, स्ट्रगलिंग करके अपने आप को एक एक्ट्रेस इस्टेब्लिश करते टाइम, मतलब इट टेक्स नॉट ऑफ एफर्ट। अब मेरे ख्याल से अब इस्टेब्लिश तो हूँ मैं, सब जानते हैं कि मैं, तो मैंने सोचा चलो अब जिस चीज़ का आई लव सिंगिंग, अगर मेरा बस चलता तो मैं शायद सिंगर बनती थी इंस्टेड ऑफ एन एक्ट्रेस, लेकिन अब मैंने इसके ऊपर ध्यान देना शुरू किया। ओके, कैन यू टेल अस अबाउट द लिरिक्स, आपने इसके अंदर कौन कौन से गाने लिखे हैं? टाइटल सॉन्ग जो है मैं तो लाखों में हूँ एक, तो ये गाना सुनने के बाद फिर कुछ मैं इम्प्रेस भी था कुनिका जी से, तो लाखों में एक एल्बम का नाम सोचा गया और फिर वो पसंद भी किया गया, कोई तो समझे गीत पहले बन गया, फिर बाद में गीत में से टाइटल उठा लिया। हाँ, ये बात ऐसी हुआ। और एक बात मैं आपको बताऊँगा कि आजकल जो पॉप म्यूजिक का और एल्बम्स बनाने का जो सिलसिला है उसमें ये देखा गया कि लिरिकल पोटेंशियल बहुत कम है, और इस एल्बम में जैसा अभी कुनिका जी ने बताया कि इस एल्बम में आपको लिरिक्स मिलेंगे, क्योंकि देयर इज ए मिसअंडरस्टैंडिंग, पीपल थिंक कि कुछ भी रख दो हल्ला गुल्ला टाइप, तो उसमें उससे गाना चलता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि पीपल हैव अप्रिशिएटेड व्हेन एवर द पोटेंशियल लिरिकल पोटेंशियल इज देयर, गाने की लाइफ बढ़ जाती है। और ये एल्बम फिर एक मरतबा इस बात को साबित करेगा कि लिरिकल पोटेंशियल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह कुनिका जी ने जैसा बताया कि खुद मैंने भी महसूस किया कि आई एम वेरी हैप्पी टू वर्क विथ हर and to work with Chintu, he is also a very intelligent boy coming up, और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने काम किया है, और क्या है किस्म का जोश है इसमें, प्रोफेशनलिज्म का कोई टच नहीं, हमारे ग्रुप में बिल्कुल एक फ्रेंडली एटमोसफेयर में काम हुआ और बहुत खूबसूरत काम हुआ। And it's like all of us are just wanting to do well, do this, make this, attempt, a good attempt. We all are like, सब जोश भरा हुआ है, सबके अंदर एक गस्टो है। What do you have to say about the music? आजकल तो वैसे काफ़ी पुराने भी हैं म्यूजिक राइटर्स और नए भी हैं,
अच्छा काम कर रहे हैं, तो कोशिश उन्होंने ये की है कि उन सबसे अलग हो मुझे इसमें। ओके, और आपको लगता है कि गुनिका जी की आवाज़ एकदम सूट करती है अपने आपके म्यूजिक के साथ? हाँ सूट करती है काफ़ी, एंड जितना मैंने सोचा था उनसे अच्छा, उससे अच्छा। तो आपको मतलब उनके साथ मेहनत नहीं करनी पड़ी? बिकॉज नहीं, मेहनत नहीं, उनका पिकअप पैसे काफ़ी फास्ट है। अच्छा, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। And what do you have to say about your background? I mean, is this the first album that you're doing? This is the first album as a music director. Okay. वैसे मेरे पहले albums आ चुके हैं as a guitarist, as a instrumental, yeah. Instrumental. अच्छा. So, I mean, you think you will be successful as a music director? कोशिश तो है. Rest in God's hand and in the public's hand. Okay. Thank you very much. Thank you. अच्छा, नाउ वी डू द खामोशी सॉन्ग। खामोशी का जो टेक किया ना हेनरी, वो उनको ऑन करो ताकि विश्व वगैरह दे टेक दैट एंड देन उनको ये गाना, तो ये गाना तो कर लिया था ना, वीडियो शूट हो गया था ना इसका, तो इसको क्यों कर रहा है? तो कल इनको जस्ट इधर के लगा देना बाद में। खामोशी से रात में आ जाना बरसात में, क्या फर्स्ट मुखड़ा मुखड़ा फर्स्ट साइन इज नाइस, जो एडलिप जो है वेरी नाइस, उसके बाद चेक करेंगे करेक्ट एडलिप के बाद। ओ हे अच्छा है, हे खामोशी से, देखो थोड़ा और लंबा बोल ना, हे खामोशी से, हे डन टू थ्री, हे खामोशी, ठीक है, वन वन टू थ्री, खामोशी से रात में, ओके okay. रात में आ जाना बरसात में, हम भी मिलकर देखेंगे क्या होता है साथ में, क्या होता है साथ में, क्या होता है रात में, हम भी मिलकर देखेंगे, हम भी मिलकर देखेंगे क्या होता है रात में, होता है रात में क्या होता है रात में, ओके खामोशी से रात में
आ जाना बरसात में, हम भी मिलकर देखेंगे। हम भी लो आया, हम भी मिलकर देखेंगे, हम भी मिलकर देखेंगे। पैसे पहले वाला क्या कर रहे हैं? हम भी मिलकर देखेंगे, हम भी मिल, हम भी मिलकर देखेंगे। तो दो बार दो किस्म का होगा, एक बार मिलकर देखेंगे, हम भी मिलकर देखेंगे, हम भी मिलकर देखेंगे।